शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत नाज है ना आपको अपने बेटे पे। अब देखिए कैसे दुनिया के सामने आपके बेटे की करतूत सामने लाते हैं। दिल पे छोड़ो मुझे। नहीं सीधा हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। क्या सुन रहे हैं हम? इसकी कोख में तुम्हारा बच्चा है? हाँ बोलो सिट, बताओ सबको कि उस रात क्या हुआ था। सिटी क्या बोले जा रही डिम्पी, बोलो उस रात को क्या हुआ था। सिट लल्ला ने ये लड़की को चुना है तो अब बचपन की शादी को खारिज कर देते हैं। हमें विश्वास नहीं होता है सिट कि सिट वो तुम्हारे बच्चे नहीं है ना। बोल दो सिट, एक बार बस बोल दो, तुम जो कहोगे हम वो मानेंगे। बोल दो सिट, बोल दो कि वो बच्चा तुम्हारा नहीं, प्लीज बोल दो सिट। नहीं है ना कोई जवाब? बोलो ना सिट, नहीं है जवाब? हम इस घर में रह रहे थे क्योंकि एक रिश्ता था, तुमसे रिश्ता था, और अब जब हमारा तुमसे कोई रिश्ता ही नहीं है तो किस हक से इस घर में रहे? सिट जाओ यहां से। सिट हमने कहा जाओ यहां से, हमें तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। आशी मुझे नहीं याद उस रात क्या हुआ था। आशी के साथ सारे रिश्ते तोड़ के इस डिम्पी से तुम्हें ब्याह करना होगा। हमारा अतीत, हमारा आज और हमारा होने वाला कल सब आप और काकी है। हमें बस जिंदगी में आपको बहुत सारी खुशियां देनी है। आप खुश है तो हमारे चेहरे पे मुस्कान अपने आप आ जाएगी। दिमाग तो ठीक है? तो आशी को छोड़कर डिम्पी से शादी कर रहा है कैसे यार? प्यार करता है ना तो आशी से? क्या कुछ नहीं किया उसको खाने के लिए और तो उसे ही छोड़ रहा है? मैं तुझसे बात कर रहा हूं। तो मैं क्या करूं? जिंदगी ने ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। डिम्पी की कोख में मेरा बच्चा। तो श्योर है ना कि वो तेरा ही है? मैं श्योर हूं, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है उस रात का। मैं होश में ही नहीं था, क्या करूं? और तूने ही कंफर्म किया ना कि उस रात डिम्पी मेरे रूम में थी, मेरे रूम से निकली है। तूने ही कंफर्म किया ना?
मैं क्या करूं यार, मैं आशी से नजरें नहीं मिला पा रहा हूं यार। बहुत बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, और ऐसी हालत में टिम्पी को अकेले कैसे छोड़ दूं? खुश रहो काकी माँ, जाने अनजाने में कभी भी हमने आपका दिल दुखाया हो तो हमें माफ करना। आशी, आशी वैसे तो आई डोंट लाइक यू, लेकिन तुम्हारी केयर तो है यार, अगर तुम चले गई तो मेरी चीजें कौन हैंडल करेगा? आई मिस यू। तू हमें छोड़ के जा रही, कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना? मत जाओ। देख, हम पास रहे या दूर रहे, दिल के रिश्ते कभी टूटते नहीं है, और फिर देखते हैं किस्मत में रहा तो फिर मिलेंगे। ठीक है, खुश रहो, हमने विनोद को बुलाया है, वो तुम्हें लेने आता ही होगा। आशी बाबा, हमें माफ कर दे बेटा, हमने तुम्हारी माँ को वचन दिया था कि हम तुम्हारी जिम्मेदारी उठाएंगे, लेकिन लेकिन तुम अपना वचन निभा नहीं पाए। बहुत छाती ठोक के बोला था ना, आशी को अपनी बेटी बना के रखेंगे, रख लिया। विनोद, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ये देखना पड़ेगा, लेकिन हमने सोचा था और कहा भी था, बड़ा होकर तेरे बेटे को कोई और पसंद आ गई तो, कल कुणाल को और कोई पसंद आ गई तो, जाओ जाओ अपने घर जाओ, हम संभाल लेंगे अपनी बेटी को। और हम उन दोनों का ब्याह रचा देंगे। लेकिन तुमने बचपन में उनका ब्याह रचा दिया, याद है या भूल गए?
अरे आशी तो हमारे लिए उसी दिन पराई हो गई थी जिस दिन हमने उसका कन्यादान किया था, अपने घर से तुम्हारे घर भेजा था, अब इसे अपने घर वापस ले जाकर जगह साई कराएंगे, क्या कहेंगे लोग? देखो प्रधान जी, गांव को मान मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाला, नीति नियम सिखाने वाला, उसकी बेटी ससुराल जाती है तो उसकी अर्थी निकलती है, क्या बोलेंगे लोग? लो प्रधान जी की बेटी की किस्मत तो अर्थी से भी बुरी निकली, न कुंवारी दुल्हन रही और न ब्याहता पत्नी। अमित तुम जानते हो हमारा रुतबा, हमारा नाम, रिश्तों से बढ़कर हमारा मान, हम इसे टूटने नहीं देंगे। हमने तो बेटी को कब का विदा कर दिया था और जिस दिन विदा किया हमारी जिम्मेदारी खत्म। अब तुम इसे अपने घर लाए, बहू बनाया, इतने दिन घर में रखा, अब तुम जानो और तुम्हारी बहू जाने। तुम्हारे घर की बात, तुम्हारे घर के हालात तुम जानो। आशी हमारे लिए पराया धन है, अब इस धन को तुम घर पे रखो, बाहर निकालो, जहर दे के मारो या खर्चा करो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। कुंदन जी, इतने अर्जेंट में हमें मैसेज करके काहे बुलाए? अरे आराम से, आपको दिखता नहीं हम प्रेग्नेंट हैं। अच्छा ड्रामा, सिट से बिहारा चाहोगी तुम? अरे अब हमारी क्या गलती, आपने ही तो हमें सिट के कमरे में भेजा था ताकि भाऊजी आके हमारा और सिट जी का ड्रामा देख सके, अब इतने में अम्मा जी आके हमारे ब्याह का बिगुल बजा दे, हमारी कोई गलती नहीं है। हमें जो कहना था कह दिया, आशी तुम्हारी जिम्मेदारी है, जैसे निभाना है निभाओ, हम तो चले। कोई नहीं, हुक्म का एक काम भी हमारे पास है, जितनी बार पत्ता फेंकेंगे बाजी हम ही जीतेंगे, और सिट के बाबूजी हमें पैसे देते रहेंगे, और उसके बाद होगा वो धमाका जो हम यहां करने आए हैं। आशी के पापा तो चले गए, ये अब तक नहीं गई। बाबा आप हमारी फिक्र मत कीजिए, हम अपना ध्यान रख लेंगे, वो हमारे दोस्त है ना रचना, हम उसके घर रह लेंगे। और एक बात कहें, दुनिया चाहे हमें हमारे ससुराल से अलग कर सके, हमारे रिश्ते नातों से अलग कर सके, पर एक बेटी के लिए उसके पिता ही रहेंगे, हम चाहे कहीं भी चले जाएं, हमारे पिता आप ही रहेंगे बाबा। चलते हैं, जय श्री राम। दीदी प्लीज बन जाओ प्लीज। हाँ
मालूम है आपके लिए आशी को भूल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप हमारे बच्चे का भी तो मुंह देखिए। थैंक गॉड आशी नाम का कांटा कटा, अब तो पार्टी बनती है। रचना आशी क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? रचना क्या हम कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर आ सकते हैं? हमारा जैसे ही रहने का इंतजाम होगा हम चले जाएंगे, बस कुछ दिन। हाँ क्यों नहीं, पर हुआ क्या आशी? हम तुम्हें मिलके बताते हैं हमारे। हाँ तू आ जा। तीखा और खट्टा बना दो। पपाया भैया, पपाया दिम्पी तो प्रेग्नेंट, फिर ये इतनी तेजी से कैसे चल रही है और पपाया खा रही है? प्रेगनेंसी में तो पपाया नहीं खाते। ओ गॉड, आशी ने हमें पपाया खाते देख लिया, कहीं ये समझ ना जाए कि हम प्रेग्नेंट नहीं, फिर तो पिक्चर शुरू होने से पहले ही खत्म। ओ आशी, हम यहाँ। डिम्पी प्लीज हमें अपना फोन दोगी क्या? हम अपना फोन चार्ज करना भूल गए थे, स्विच ऑफ हो गया। हमें ना अपनी फ्रेंड रचना को फोन करना था, प्लीज। थैंक गॉड इसे हम पे शक नहीं हुआ। आशी आई एम सॉरी, मैं ऐसे तुम्हारे और सिट के बीच में नहीं आना चाहती थी, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फोन प्लीज। हाँ देते। थैंक यू, एक मिनट। हो गई बात रचना से, चलते हैं हम। थैंक यू। दादी जी क्या है? हम आपके लिए कुछ खाने को लेके आए। नहीं हम बेबकत खाना नहीं खाते। और सुन पंडित जी से बात की है तुम्हारे और सिद्ध के शादी के मुहूर्त निकालने के लिए, तेरे माँ और बाबूजी को बुला ले। वापस क्यों आई हो तुम? रिक्शा नहीं मिली क्या? हमें जी एक आखिरी मेहरबानी कर दीजिए, इस पर इसे जाकर छोड़ के आइए। उसकी जरूरत नहीं है बाबा। क्योंकि हम इस घर को, अपने बाबा को, अपने सिट को, अपने
अपने ससुराल को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। क्या ये का बकैती है? ये का डकैती है? जबरदस्ती रिश्तों पे डाका डालने आई है? जबरदस्ती रिश्तों पे कौन डाका डाल रहा है ये तो बाद में पता चलेगा। अभी के लिए हम बस इतना करेंगे कि हम यहीं पे रुकेंगे, हम इसी घर में रहेंगे। देख हम बोल दिए तो बस, बस बोल दिए। ये का बकलोली कर रही है? हाँ दादी, हम जो बोल रहे हैं हम सच बोल रहे हैं। हम ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। किस हक से रहोगी? हम जो कह दिए सो कह दिए, समझे? कहे थे ना सिद्ध लल्ला और डिम्पी की शादी होगी। अब इस बच्चे को? कौन सा बच्चा दादी? जिस बच्चे के नाम पे अब सिद्ध और डिम्पी की शादी कराने जा रही है, कहाँ है वो बच्चा? इसकी कोख में? इसकी कोख में तो बच्चा तब आएगा ना जब जब इन दोनों के बीच में कुछ हुआ होगा। उस रात की हर बात झूठी थी, डिम्पी की हर बात झूठी थी। दादी, जिस बच्चे की दुहाई देके ये सिट की पत्नी बनना चाहती है, उस बच्चे को जन्म देने के लिए जो रिश्ता इन दोनों के बीच में बनना चाहिए था ना, वो रिश्ता कभी बना ही नहीं है। रात इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। हम झूठ नहीं बोल रहे सिद्ध, हमारे यकीन करो, हमारे कोख में तुम्हारा बच्चा है। मुझे तो तुम पे पहले ही शक था। सिद्ध ऐसा मत बोलो सिद्ध, हम ये बच्चे को लेके कहाँ जाएंगे सिद्ध? एक सच तो हम आपको बताने ही भूल गए, परसों का ही है ये वीडियो। इतनी हिम्मत कि तू उसे बदनाम करे? चल नहीं दादी, निकल यहाँ से। हमने जो भी किया बस सिर को पाने के लिए किया। बहुरिया, शादी की तैयारी करो। जी अम्मा जी।